हेलो गाइस, टेक स्टडी में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो गाइस, आपके फ़ोन से भी ऐसे वीडियो आप बना सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, ऐसे नए नए वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस, वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस, इस वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी, ये काइन मास्टर एप्लीकेशन की। तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको ओपन करने के बाद आपको प्लस बटन में क्लिक करना है और आपको किस साइज में वीडियो को बनाना है तो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको मीडिया में क्लिक करना है। मीडिया में क्लिक करने के बाद आप जिस फोटो से आप वीडियो बनाना चाहते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने वो वाला फ़ोटो सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद इस फोटो को आप मतलब कितना समय का वीडियो बनाना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो इसके बाद आपको लेयर में क्लिक करना है। लेयर में क्लिक करके आप स्टिकर में जाइए, ठीक है। ओवरले इसमें क्लिक कीजिए और कोई भी इफेक्ट ले लीजिए। तो मैं मेरे हिसाब से फ़ोटो के हिसाब से मैं स्नो लेता हूँ, ठीक है, स्नो वाला इफेक्ट वाला। तो मैंने ले लिया। इसके बाद मतलब स्नो लेयर जो है वो फुल स्किन कर लेता हूँ पहले। तो गाइस, इसके बाद इसको सिलेक्ट करके स्नोवर जो है लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आएगा और डुप्लीकेट, ठीक है, इसमें आपको क्लिक करके डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो इसको आप एडजस्ट कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। ऐसे आपको आपका जो वीडियो जितना समय का है तो ऐसे आपको डुप्लीकेट लेयर लेके आपको ये एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं एडजस्ट करके आपको देखता हूँ। तो अभी कर लिया। तो इसके बाद आपको जूम करके जो स्पेस है तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है। तो गाइस, सेटअप करने के बाद आपको जूम आउट करना है। इसके बाद आपको लेयर में क्लिक करना है, क्लिक करके ओवरले में आपको क्लिक करना है और कोई आपका फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज है तो उस नाम से आप बनाना सक चाहते हो उस वीडियो को, ठीक है। तो कोई भी टाइटल दे सकते हो आप। तो टाइटल थोड़ा एट्रेक्टिव होने के लिए मैं कुछ स्टिकर लगाता हूँ पहले। तो मैं मुझे ये अच्छा लगा तो आप कोई भी स्टिकर लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं सेटअप कर लेता हूँ स्टिकर को। इसके बाद इस स्टिकर को आपका वीडियो का जितना समय है सेम टू सेम करना है, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके राइट साइड में लेके आपको आना है पूरा वीडियो तक, ठीक है, एंड तक, वीडियो के एंड तक। तो इसके बाद आपको टाइटल देना है। तो लेयर में क्लिक करके टेक्स्ट है ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करके लिख सकते हो आपका टाइटल। तो मैं कोई भी एक दे देता हूँ, ठीक है। तो इस टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो ऊपर में देखेंगे आप दो एयर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करके फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। यहाँ से यहाँ में बहुत सारे फ़ॉन्ट है तो जो पसंद लगा मैंने ले लिया, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो इसको भी सेम टू सेम आपको एंड तक लेना है, वीडियो के एंड तक राइट साइड में क्लिक करके मतलब खींचिए, ठीक है। मैंने ले लिया, ये टाइटल भी हो गया। इसके बाद इन एनिमेशन दे दो, ठीक है। तो मैं लेटर बाय लेटर दे दिया। तो गाइस, अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हो तो ऑडियो ऑप्शन है, आप देख पाओगे। तो ऑडियो ऑप्शन में क्लिक करना है। तो कोई भी आपका फ़ोन में कोई गाना है तो वो लगाना चाहते हो तो इसे भी सिलेक्ट करके आप लगा सकते हो। तो मैं कोई भी सिलेक्ट करके आपको
दिखा देता हूँ, ठीक है।